न्यायालय परिसर में एक अभिभाषक को हथकड़ी लगाकर पेशी पर लाना दो आरक्षकों को महंगा पड़ गया। न्यायालय परिसर में अभिभाषकों ने आपत्ति जताने पर आरक्षकों के बीच कहासुनी के बाद मामला गर्मा गया और शिकायत एसपी ऑफिस तक पहुंच गई। अभिभाषकों ने आरक्षकों पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाने के साथ ही नियम विरुद्ध हथकड़ी लगाकर वकील को कोर्ट लाने की शिकायत की। वकीलों ने एएसपी से मुलाकात कर बताया कि जिस वकील को गिरफ्तार किया है उसे आरक्षकों ने अस्पताल सहित न्यायालय परिसर में हथकड़ी लगाकर घुमाया, जबकि नियमानुसार गंभीर मामलों में हथकड़ी लगाई जा सकती है। इसके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आपत्ति जताने पर कोतवाली में पदस्थ दो आरक्षकों ने अभद्र भाषा का प्रयोग कर दुर्व्यवहार किया, जिससे अभिभाषकों में आक्रोश है। आरक्षकों के आचरण पर संज्ञान लेकर सख्त कार्यवाही की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। तो ये तो मेरा अधिकार है, आपसे जो बने कर लेना। सर, इस बात को लेकर हमने उससे उसको समझाइश भी दी कि यार कम से कम तू एडवोकेट को देखे यार। तो दूसरा ये है कि वो किन परिस्थितियों में उस पर उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुआ, हम सब निपटेंगे ना वहाँ पे, जो होगा हम सब करेंगे। सर, हमारा ये कहना कि एक्यूज का कोई हमारा वकील है तो प्रिविलेज तो नहीं है, पर जो मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आर्टिकल 21-22 में उसके तो मेरे को संवैधानिक अधिकार है। 50 सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, अपनी गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है कि आप अरेस्ट नहीं कर सकते। कौन सा ऐसा काम था बिना हथकड़ी टीए अनुमति की मिल सकती है क्या? एक 306 के आरोपी हैं जिनको पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है, और उनका कहना है कि हथकड़ी लगाना उचित नहीं था। उनके आवेदन पत्र को ले लिया गया है और एसडीओपी खरगोन को जांच के लिए सौंपा गया है। जो इलीगल होगा वो जांच में पता चल जाएगा। जो पुलिस की मनमानी हो रही है उसके विरुद्ध में एक ज्ञापन देने आए थे, एक आवेदन देने आए थे। हमारे साथी अधिवक्ता संदीप डुडवे के खिलाफ खरगोन थाना पर धारा 306 का अपराध पंजीबद्ध हुआ है और रात को उसकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी करने के पश्चात उसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना था, उसके लिए पुलिस ने उसको हथकड़ी लगाकर पूरे शहर में, मतलब हॉस्पिटल तक लेके गए, न्यायालय परिसर में भी लेकर आए और न्यायालय के कंपाउंड के अंदर तक उसको हथकड़ी लगाकर लाए। हथकड़ी लगाकर लाने की बात पर हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार पाठक साहब ने उस पर विरोध किया कि भाई ये आप इसको किस आधार पर हथकड़ी लगाकर ला रहे हो, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है और हथकड़ी नहीं लगाकर लाया जा सकता। ऐसी कोई विषम परिस्थिति हो जिसमें कि बहुत खतरनाक कोई अपराधी हो उसको हथकड़ी लगाकर लाया जाता है। उस स्थिति में जो दो आरक्षक लेकर आए थे, एक मनोज और एक रॉबिन यादव, ये दो आरक्षक उसको लेकर आए थे और उनके द्वारा ये व्यक्त किया गया हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता को कि आपसे जो बने कर लो, ये हमारा अधिकार है। तो चूंकि ऐसी स्थिति में जो, चूंकि हम तो कानून के जानकार लोगों के साथ इस तरह से वो व्यवहार अगर कर रहे हैं तो एक आम आदमी के साथ क्या करते होंगे, इस बात को लेकर हम एसपी साहब के पास आज एक आवेदन लेकर आए कि भाई इनके विरुद्ध जो जिन कर्मचारियों ने इस तरह की हरकत की है और न्यायालय के समक्ष तक वो हथकड़ी लगा कर लाए, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होना चाहिए, उनका सस्पेंशन होना चाहिए और थाना प्रभारी के विरुद्ध भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि थाना प्रभारी के निर्देशन में सब कुछ होता है। तो ये हथकड़ी भी उपलब्ध कराई गई उनके द्वारा, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होना चाहिए। इस बात को लेकर हम आज अभिभाषक संघ के सभी साथी एसपी साहब से मिलने आए थे और एडिशनल एसपी साहब से हमने बात की, उनको अपनी बात रखी, सुप्रीम कोर्ट के साइटेशंस दिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन दी हुई है, उसके आधार पर उनके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। रविंद्र यादव, सचिव अभिभाषक संघ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।